जो महिला 10 साल से कोमा में पड़ी थी, उसी महिला ने एक बच्चे को जन्म कैसे दे दिया? यह तो संभव ही नहीं है कि जो महिला 10 साल से बेहोशी की हालत में कोमा में पड़ी है, वह एक बच्चे की मां बन गई। यह पूरा मामला जब सामने आया तो अमेरिका में हंगामा मच गया और अमेरिकी हॉस्पिटल हेसिंडा हेल्थ केयर के सीईओ को इस पूरे मामले को लेकर इस्तीफा देना पड़ा। पुलिस का यह मानना है कि उस महिला के साथ यौन शोषण हुआ है और इस यौन शोषण का पता लगाने के लिए अस्पताल के सभी पुरुष कर्मचारियों का डीएनए टेस्ट भी कराया जा रहा है। कुल मिलाकर अमेरिका के सोशल मीडिया पर भी यह पूरा मामला बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या लोग इतने हिंसक हो गए हैं और इतने कामुक हो गए हैं कि जो महिला बेहोशी और कोमा में पड़ी हुई है और 10 साल से लगातार कोमा में है, उसके साथ भी उन्होंने दुष्कर्म करने की कोशिश की, यही नहीं उसे माँ भी बना दिया। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।